हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ऑर्गेनिक किचन गार्डन में स्वागत है। और ये देखिए मेरी नाग चंपा जो कि अभी फ्लावर देने लगी है। बहुत ही प्यारे फ्लावर लगते हैं नाग चंपा के। देखिए ये पेड़ मैंने 3 से 4 बार शिफ्ट किया और मुझे नहीं लगता था कि ये फ्लावर देगा, क्योंकि बीच में ये बहुत डाउन हो गया था, लेकिन अभी बहुत अच्छे से चल रहा है और इसमें और भी कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई है। तो मुझे चंपा से अच्छा फ्लावर नाग चंपा का लगता है। देखिए इसके लीफ जो होते हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पर जो मैंने न्यू प्लांट लगाया था अभी चंपा का, तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है पर है बारिश के बाद, और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है। ये देखिए इसमें बन गए हैं बड्स और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं बारिश में। यहाँ पर देखिए बैंगन कितने अच्छे लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे बैंगन आए हुए हैं अभी। तो मैं इनको हार्वेस्टिंग भी करूँगी, क्योंकि कुछ दिन बाद ना फिर ये टाइट होने लगते हैं, पकने लगते हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई घूम रही है और देखिए बहुत ज़्यादा होती है शाम सुबह में, दोपहर में क्योंकि धूप हो जाती है तो चले जाते हैं ये इधर उधर। साइज भी काफ़ी अच्छा हो गया, इससे बड़ा होने पर ना ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे फिर, तो इतने साइज में ही निकालना बहुत अच्छा रहेगा। बैंगन तो बहुत ही ज़्यादा लगे हैं फ्रेंड्स, देखिए तो छोटे छोटे ही मैं निकाल लूँगी। छोटे छोटे अच्छे बनते हैं, कच्चे कच्चे जो पक जाने पर ना अच्छे भी नहीं लगते हैं फिर ज़्यादा। तो देखिए कुछ का साइज काफ़ी अच्छा हो गया है। इस टाइम बैंगन पर बीमारी भी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत कीड़े लगते हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पर ना होता ही है। तो हमें वीक में एक बार तो नीम ऑयल स्प्रे करना चाहिए, और 7 से 8 दिन के बाद दोबारा से ना बायोएंजाइम स्प्रे करना चाहिए। तो अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो इसमें कीड़े लगने के चांसेस भी कम रहते हैं। एक बार नीम ऑयल इनकी दवाई के रूप में काम करता है, कीड़े नहीं लगेंगे। दूसरी बार जो हम बायोएंजाइम डालेंगे वो इनको अच्छे से मजबूती भी देगा और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो हमें रिजल्ट भी अच्छा मिलता है फिर उससे। और ये देखिए कितने बड़े हो गए, साइज़ देखिए इनका। जहाँ पर कोई टहनी या किसी में भी कोई भी रोग दिखाई दे आप उसको वहाँ से कट कर दीजिए, और कट करने के बाद वहाँ पर हल्दी ज़रूर लगा दीजिए ताकि कोई भी कीड़ा वहाँ पर ना आ सके। जब भी हम किसी भी प्लांट को देखिए ये ख़राब हो गया है अभी। एकदम मतलब इनकी ना एकदम ऑर्गेनिक चीज़ें होती है ना, वो सब्जियों की ना चमक ही अलग होती है। आप देखिए कितनी चमक है इनमें, टेस्ट तो लाजवाब होता ही है, लेकिन सब्जियों की जो चमक होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ जितनी जगह हो जितना हो सके उतना अपना ऑर्गेनिक करना ही चाहिए। और मुझे ज़्यादा मार्केट से सब्जियाँ लाने की ज़रूरत नहीं होती है इस टाइम पर। बस मेरे पास टमाटर नहीं है, बीन्स है, भिंडी है, तुरई है, बैंगन है, और भी कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है थोड़ा बहुत, तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और मैं टमाटर की पौध भी लगाने जा रही हूँ क्योंकि टाइम आ गया है, बस अभी पौध लगाना स्टार्ट कर देंगे। गोभी, टमाटर की, सब की, लेट्यूस की, इन सब की अभी मैं सीडलिंग रेडी करूँगी, तो आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। बम्पर हार्वेस्टिंग हो रही है बैंगन की। उसके बाद है ग्वार की फली, वो भी काफ़ी अच्छी हो रही है अभी, लेकिन ये है कि उसको हार्वेस्टिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये वाली टहनी है ना ये ख़राब हो चुकी है, ये किसी कीड़े ने ख़राब कर दी है। तो मैं इसको क्या करूँगी, नीचे से थोड़ा कट कर दूँगी। यहाँ कट करने के बाद हल्दी ज़रूर लगानी होगी, नहीं तो फिर कट करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं छोटे छोटे साइज में ही निकाल रही हूँ ताकि कच्चे रहें और अच्छी बने इनकी सब्जी। ज़्यादा बड़ा साइज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरे आज की बैंगन की हार्वेस्टिंग, और अभी हम करते हैं बीन्स की हार्वेस्टिंग। तो ये देखिए आप बीन्स कितने अच्छे से लगी हुई है, मतलब छोटा सा प्लांट है लेकिन आप बीन्स देखिए इसके ऊपर कितने अच्छे लगे हुए हैं। पूरा लदा हुआ है ये फल से, देखिए छोटी छोटी ही
प्लांट पर कितने अच्छे हुए आए हुए हैं, और अभी ज़्यादा केयर नहीं हो रही क्योंकि बारिश अभी गई है, तो अब इनमें बायोएंजाइम का स्प्रे ये सब करना स्टार्ट कर दूँगी मैं, तो रिजल्ट और भी अच्छे आते हैं क्योंकि इनका न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट अच्छे से करना होगा, तभी जाके फूटिंग भी अच्छी होती है। टाइम टाइम पर गुड़ाई करना, टाइम टाइम पर बायोएंजाइम या कुछ भी खाद वगैरह डालना, ये सारा मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट का कमाल है। बिल्कुल कोई भी चीज़ मेरी ख़राब नहीं जाती, बाहर नहीं जाती है, क्योंकि मैं पत्तों का भी, सब्जी के छिलके, फ्रूट के छिलके, चाय पत्ती, लहसुन प्याज के छिलके, सभी का कंपोस्ट बनाती हूँ, तो सब चीज़ें यूज होती हैं और ये सब उन्हीं का रिजल्ट है। तो अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं इनको। मुझे सबसे इजी लगता है बीन्स को हार्वेस्ट करना, ना बहुत इजी होता है फ्रेंड्स। ये देखिए फटाफट निकाल लो, हो जाती है बस। यहाँ पर आपको आवाज़ें आएंगी क्योंकि मेन रोड पर है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो देखिए एक छोटे से प्लांट से इतनी हार्वेस्टिंग हो गई है। मैंने इसमें फ्रेंच बीन्स भी लगाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्रेंच बीन्स है इसमें। जल्दी जल्दी ही ग्रोथ होती है बीन्स की, सबसे फास्ट बीन्स की ग्रोथ होती है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये ना एक दिन आपको छोटी सी दिखेंगी और नेक्स्ट डे आप देखेंगे काफ़ी बड़ा साइज हो जाता है फिर इसका, और उससे अगले दिन तो फिर ये बस बीज ही इसके मोटे मोटे हो जाते हैं बीन्स में। पर भी ऐसे ही है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है इसमें फूटिंग। जल्दी जल्दी भी इसकी टहनी छोटी छोटी होती है, वो भी टूट जाती है। मैंने पूरा अपना गार्डन की सफाई की है 3 से 4 दिन में, अब इसको बिल्कुल अच्छे से फिर से करना है, फ्लावर प्लांट फिर से रेडी करने हैं सर्दियों के, तो सब्जियों की तैयारी अभी करनी है, फिर से लगानी है सभी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं एक ही प्लांट में कितनी सारी निकल रही है बीन्स। 6 से 7 लगाने पर आपको काफ़ी अच्छी सब्जी मिल जाती है इनसे। मैं हार्वेस्टिंग करते करते थक गई हूँ इतने से प्लांट में, लेकिन बीन्स है कि पूरा निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये देखिए आप कितनी सारी निकल गई हैं, और अभी बहुत है, तो करते जाइए, करते रहेंगे हार्वेस्टिंग जब तक नहीं हो जाती ख़त्म सभी। इस वाले में देखिए कितनी सारी लगी हुई है। फाइनली हार्वेस्टिंग हो चुकी है फ्रेंड्स सभी बीन्स की, और ये देखिए कितनी सारी बीन्स है। गिर रही है ट्रे से गल निकल के, क्योंकि काफ़ी भर गया है, ये फुल हो गई है। ये देखिएगा अभी और हार्वेस्टिंग करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी सी छोटी सी एक तुरई लगी हुई है, तो अभी छोटी है, कल या परसों में करेंगे, तब तक ये हो जाएगी। और यहाँ पर भी है, ये देखिए पूरे प्लांट को इन्होंने कब्जा ही कर लिया है, छोटी छोटी लगी हैं अभी, कई लगी हुई हैं, जैसे एक यहाँ पर भी है, ये देखिए, ये देखिए अपराजिता के प्लांट में कितना बड़ा साइज हो गया इसका। यही तो दिक्कत है कि इनमें पता नहीं चलता है, ये कहीं भी छुप जाती हैं, तो अब ये पक गई है, किसी काम की नहीं है। और ये प्लांट इतना भारी हो गया है, इसमें देखिए आप कितनी सारी तो फलियाँ आ गई हैं, और पूरी तोरियाँ मेरी छुप जाती है इसी में। ये देखिए साइज मुझे लगता है कि आज ही निकाल लेना चाहिए, नहीं तो पक जाएंगे फिर ये।
तो मैं इनको भी निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने मेरे फ्रूट प्लांट को करा दिया है इस तोरी से आज़ाद। एक तो ये तोरी की बेल और एक अपराजिता, देखिए कितना बड़ा प्लांट है ये देखिए, और अपराजिता के फ्लावर देखिए इस पर, मतलब कितना लंबाई लेंगे समझ में ही नहीं आता। पूरे प्लांट को बेचारे को नीचे झुका दिया है ये देखिए पूरा प्लांट झुक गया मेरा नीचे, तो मैंने इसको इस तरह से नीचे कर दिया है ताकि प्लांट पर कोई वो ना हो। अब कोई लग रहा है फ्रूट प्लांट पे ना सिर्फ फ्लावरिंग हो रही है, वो भी अपराजिता के प्लांट की। ये देखिए फ्रेंड्स भिंडी की हार्वेस्टिंग जो मैंने सुबह की थी, ये जो भिंडियां हैं ये रेड वाली भिंडी है सभी, तो देखिए इस तरह की लगी हुई है, 4 से 5 लेके गई थी मैं मॉर्निंग में भी, और सभी ग्रीन वाली थी, लगता है ये पक गई है अभी एक दो, और देखिए छोटी छोटी लगी हुई है, बहुत ही अच्छी लगती है ये रेड वाली भिंडी। और छोटे से प्लांट पर ही आना स्टार्ट हो जाती है, और इनकी मैंने सुबह हार्वेस्टिंग कर ली थी, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ना तो फिर पक जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी इतनी मेहनत से ग्रो की हुई वेजिटेबल को हम पका दें, और फली तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, हार्वेस्टिंग करी जाएगी इसमें, लेकिन इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो अभी मैं हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। इतनी हार्वेस्टिंग हो चुकी है, ये तोरी निकली है, बीन्स और बैंगन है, अभी ग्वारफली की भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं करूँगी, जितनी चाहिए उतनी ही करूँगी, क्योंकि फिर ना ख़राब होने लगती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अभी मैंने हार्वेस्ट की है ग्वारफली, तो साफ़ करना बाकी है, साफ़ करनी पड़ती है तब जाके थोड़ा कुछ दिखती है, नहीं तो देखिए ऐसे गुच्छों में टूटती है ना, तो पत्ते साथ में आते ही आते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसे 4 से 5 गुना ज़्यादा, लेकिन मुझे अभी इतनी चाहिए है तो मैं इतनी ही हार्वेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर ख़राब हो जाती है, प्लांट पर लगी रहेगी तो 2-3 दिन और चल जाएगी, और फिर बाद में हार्वेस्टिंग हो जाएगी। तो मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं ग्वारफली 3 से 4 साल से ग्रो कर रही हूँ, मत लगा रही हूँ, तो मैंने इसमें कभी कोई रोग लगते हुए नहीं देखा है, और बहुत ही ईजिली हो जाती है ये, बस आपको एक बार प्लांट लगाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद तो बस फिर ये अपनी ग्रोथ अपने आप से पकड़ती है, और जब फ्रूटिंग आने लगती है ना तो इतनी ज़्यादा आती है, बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है। जैसे मेरी मम्मी जी हैं उनको बहुत पसंद है, तो लेकिन बच्चे थोड़ा कम चाव से खाते हैं ऐसी चीज़ों को ना, थोड़ा वो नहीं खा पाते हैं ज़्यादा, कभी कभी चल जाती है। थोड़ा सा हटा देती हूँ जो लीफ है इनके, यहीं छोड़ दूँगी, तो ये कंपोस्टिंग का काम करते हैं, एक खाद का काम करते हैं, सॉरी कंपोस्टिंग का नहीं, एक खाद का काम करेंगे ये, यहीं पर पड़े पड़े खाद बन जाएंगे सूख के गार्डन में ही। तो कोई भी चीज़ गार्डन, जो एक गार्डनर होता है वो हर चीज़ को लेके चलता है, अपने गार्डन का जो पत्ते हैं, कुछ भी है, पका हुआ फ्रूट है, फल है, फ्रूट है, सब्जी है, कुछ भी नहीं फेंकता वो, कहीं ना कहीं अपने गार्डन में उसको यूज करता है। कोई भी चीज़ पक जाती है तो मैं उसको अपने कंपोस्ट बिन में डाल देती हूँ ताकि वो खाद बन जाए और वेस्ट ना हो, बिल्कुल भी कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए गार्डन से। तो इस तरह का मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। देखिए अभी मैंने सारी लगभग हो ही गई है मेरी, तो भिंडी के साथ मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं भिंडी को कितने भी ध्यान से हार्वेस्ट कर लूँ, लेकिन एक दो भिंडियाँ ना बच ही जाती हैं, तो फिर वो लास्ट में निकालनी पड़ती हैं जब दिखती हैं, तो क्योंकि प्लांट में ना छोटे छोटे ऐसे फैल जाते हैं भिंडी के प्लांट की पता ही नहीं चलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने साफ भी कर ली है सभी लीफ हटा दिए हैं इनके, तो ये लीजिए कि अभी हमारी ग्वारफली आ गई, बैंगन है, बीन्स है, तुरई है, भिंडी मॉर्निंग में मैंने हार्वेस्ट की थी, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मॉर्निंग में हार्वेस्ट की थी भिंडी की, ये कुछ रेड वाली भिंडी थी और ग्रीन है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये है मेरी आज की हार्वेस्टिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को
लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है, कितने सारे बैंगन हैं, भिंडी है, दोनों भिंडी है, रेड भी है और ग्रीन भी है, यहाँ पर ग्वारफली है और ये बीन्स है और यहाँ पर तुरई है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।